शेखर चंद्रशेखर। गुलामों की सरपरस्ती से लाख गुना अच्छा है सरफरोशी। कुछ दिनों की बात है बेटा, देशभक्ति का सारा बुखार उतर जाएगा और तू पागल हो जाएगा यहाँ के घुटन से। आजादी के मतवालों को लोग अक्सर पागल कहते हैं। हमें पागल ही रहने दीजिए, तो पागल रहना चाहते हैं। रामदेन, ले जाओ इसे और डाल दो काल कोठरी में और इसे तब तक वहां रहने दो जब तक इसे ये पता न लगे कि जोश में असेंबली में बॉम्ब फेंकने में और होश में गेंदा सिंह की जेल की चार दीवारी की कैद में कितना फर्क है। ले जाओ। क्या हुआ राजगुरु? हम पहले से बहुत परेशान हैं। तुम्हें कुछ जरूरी बात कहनी तो कहो, वरना हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। हाँ, मैं वो भाऊ वो क्या 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 है राजगुरु बोलो। शकल क्या देख रहे हो हमारी? बोलना है तो बोलो। भगवती चरण मुखबिर है पुलिस का। दिमाग खराब हो गया है। भगवती भाई के बारे में बोल रहे हो? भाऊ गद्दारी उन्होंने ही की है। ये सीआईडी की चाल थी ना भगत को पकड़वाने की, ये चाल भगत के दिमाग में किसने डाली? भगवती जी ने डाली। खबर पक्की है राजगुरु? हाँ। किसने बताया तुम्हें? मेरा नाम सामने आएगा तो वो मुझे मार डालेंगे। उसका नाम मैं नहीं बता पाऊंगा भाऊ, गद्दारी हो जाएगी। दोस्ती खाते में उसने बताया भाऊ, मैं नाम नहीं बता सकता। लेकिन भाऊ ये खबर ही ऐसी है कि सुन के मैं सन रह गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब धुंधला लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा पहले आपके पास आ जाता हूँ। आपके शायद समझ में नहीं आया होगा ये भाऊ, लेकिन जब से भगत मिला है ना भगवती जी से झांसी में, तब से हम सबसे अलग रहने लग गया था। और वो भगवती जी जब से झांसी आए हैं, हमारे संगठन की एक भी बैठक में वो उपस्थित रहे हैं? भाऊ आप समझ रहे हैं ना? अगर ऐसा है तो भगवती भाई को इस गद्दारी की सजा भुगतनी पड़ेगी। और हमारे लिए गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। गद्दारी की सजा सिर्फ मौत होती है। आजाद, आप लोग जरा अंदर जाइए, हमें बात करनी है। अपने बापू भाई पे शक कर रहे हो? इतना संगीन इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई? गद्दारी करते समय आपके पति को शर्म नहीं आई, उसकी सजा देते हुए हमें शर्म क्यों आएगी? बच्चे सारे के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमें कदम उठाना पड़ रहा है, वरना हम कभी अपनों पे हथियार नहीं उठाते। भगत सलाखों के पीछे और उसकी वजह सिर्फ आपके पति है। हमने उसे रोका था, मना किया था असेंबली में बम फेंकने से। फिर ऐसा क्या हुआ कि भगत ने फिर से जिद की असेंबली में बम फेंकने की? कौन था उसके पीछे? किसकी राय मान रहा था वो? सिर्फ आपके पति की। बहुत सोची समझी चाल चली है भगवती भाई। बस आजाद, चुप रहो। आज तक मैं तुम्हारी सोच की कायल थी, लेकिन आज जिस हद को लांघकर तुम यहाँ खड़े हो ना,
वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। ऐसा ना हो कि मैं अपने से काबू खो दूं और मेरा हाथ उठ जाए तुम पर। मैं नहीं जानती वो कौन सा आदमी था जिसकी बात पर तुम्हें इतना भरोसा हो गया कि तुम ये तक भूल गए कि जिस इंसान पर तुम इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो उस इंसान ने देश के लिए अपनी गृहस्थी की और अपने बच्चे तक की परवाह नहीं की। कभी सब कुछ त्याग के कलकत्ता तक गए और वहां के विपरीत माहौल में बम बनाना सीखा। तुम ऐसे इंसान के चरित्र पे दाग लगा रहे हो और तुम यहां पर भी नहीं रुकते हो। तुम तो जान लेने पे उतारू हो। वाह आजाद वाह, अच्छा सिला दिया है तुम्हें इन्हें इनकी वफादारी का। अप्रत्याशित ढंग से जो घटनाएं घट रही हैं, शायद हो सकता है उसमें सही गलत देखने और समझने में हमें चूक हो रही हो, लेकिन जिस दिन हमारे सामने सच आ जाएगा। आजाद, जो इल्जाम तुम मुझ पे लगा रहे हो अब ना मैं उसकी सफाई दूंगा और ना ही बर्दाश्त करूंगा। और हाँ, अब HSRA में भी नहीं रहूंगा। मैं कल ही अपने परिवार को लेकर यहां से लाहौर चला जाऊंगा। तुम्हारे साथ था क्योंकि हमारे बीच में एक विश्वास का बंधन था। जब वही टूट गया तो साथ रहने का कोई फायदा नहीं। फिलहाल तो हम आप दोनों को HSRA की पार्टी से निलंबित करते हैं। जिस दिन हमारे सामने ये बात खुल गई कि आप दोनों झूठ बोल रहे हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने में रहे हमारे हाथों आपकी मौत निश्चित है। आजाद, पहली बात तो ये कि अगर जिंदगी में कभी भी हमारे मन में देश के प्रति बेईमानी आई ना, तो उसी दिन हम खुद अपनी जान ले लेंगे। तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, जिस बात के पीछे तुमने इतनी सारी बातें सुना दी हैं, उस बात में कोई सच्चाई है ही नहीं। भगत हमारे छोटे भाई के समान है। अगर उसकी गिरफ्तारी का दुख तुम्हें है ना, तो उतना ही दुख हमें भी है। तुम्हें एहसास नहीं है आजाद कि तुमने हमारे साथ क्या किया है। ये दाल में तो पूरा पानी है। चल आगे बढ़। ये क्या है? क्या है ये सब? आपकी दाल सब्जी में कीड़े मकोड़े तोड़ रहे हैं, तो ये खाना खिलाएंगे आप? बारात में नहीं आए, जेल है जेल। और यहाँ का यही खाना है। खाना है खाओ वरना भूखे मरो। चलो आगे। ये खाना मैं तो नहीं खाऊंगा और मेरे साथ साथ यहां मौजूद हर एक आदमी ये खाना नहीं खाएगा। अगर बीमार पड़ के तो जिम्मेदारी कौन लेगा? वे औरों की छोड़, अपनी फिक्र कर और ज्यादा कड़ मत दिखा। खाना है चुपचाप खाओ। क्या गलत कह रहा है भगत? ऐसा खाना हम जानवर तक को नहीं खिलाते, फिर हम इंसान ये खाना कैसे खा सकते हैं? हम ये खाना नहीं खाएंगे। ओए तमाशा मत कर दादा, तो दूंगा आग खींच के। ऐसा खाना हम नहीं खाएंगे। कितना वक्त बचा है दोपहर के खाने में? 30 मिनट, 20 मिनट साहब। 10 मिनट, 10 मिनट है सबके पास। जिसे खाना हो खाए, वरना 10 मिनट के बाद ये खाना उठ जाएगा। नौ मिनट,
आठ, सात मिनट। पांच मिनट, पांच मिनट है सबके पास। इसके बाद का खाना कब मिलेगा वो दिन आज ही तय किया जाएगा। भगवती भाई ने ऐसा क्या किया है? अरे काहे का भाई, भगवती भाई पता है क्या किया है उन्होंने? अंदर ही अंदर सीआरडी से मिले हुए हैं। भगत को किसने पकड़वाया? तो मैंने कहा आजाद भाऊ से। और कौन दसिया तेनू? किसने बोला तुझे? अरे छोड़ना, क्या फर्क पड़ने वाला है? वो फर्क पड़ता है क्योंकि मैं उन्हें आज से नहीं बरसों से जानता हूँ। भगवती जी पे इतना संगीन आरोप लग रहा है तो मैनू जानना है उस बंदे का नाम और उसे कहां से पता चला। अरे नाम बताने से क्या होने वाला है? सच का झूठ होगा क्या? एक बात नूना गुमा, ऐ भी हो सकता है कि भगवती जी को फंसाने के लिए किसी ने चाल चली हो। चाल चली मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है? हाँ, 100% सही सुना है मैंने। ओ भाई, जितना भरोसा तेनू अपने उस खबरी पे है ना, तो कहीं ज्यादा मैनू भगवती भाई पे है। वो कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे उन्हें गद्दार घोषित कर दिया जाए। अच्छा मेरी बात सुन, गद्दार नहीं ना वो, तो एक बात बता, प्लानिंग भगत के साथ उनकी हुई थी? हाँ, बीच में कैसे प्लान बदल दिया भगत ने? कैसे बदल दिया? उसे शौक था जेल जाने का? हाँ, हाँ प्लान था। तुम्हें भगवती भाई पे इतना भरोसा क्यों? भगत को बम फेंकने के अगर किसी ने उकसाया तो वो भगवती भाई है, बल्कि हमने उसको मना किया था। ये सीआईडी वालों की सोची समझी चाल है सुखदेव, जिसमें भगत फंसा अब तुम बेवकूफ बन रहे हो। तो भगवती जी तो बैठक में थे ही नहीं, क्या कीजिए आप। और तू भी भूल गया, वो तो मैं था। मैंने भक्त को कहा था, बल्कि एक तरह से मैंने उसे जबरदस्ती भेजा था बम फेंकने के लिए। भगवती जी ने नहीं, जो बंदा उनका नाम ले रहा है गलत ले रहा है। राजगुरु को अपने षड्यंत्र का हिस्सा बना रहा है वो। और पंडित जी आपने भी राजगुरु की बात आंख बंद करके मान ली। हमारी भावना के साथ भगवती भाई ने नहीं खेला, बल्कि राजगुरु जिस बंदे पे भरोसा कर रहा है वो हमारी भावना के साथ खेल रहा है। समझने की कोशिश कीजिए आप दोनों। लेकिन सुखदेव क्यों झूठ बोलेगा वो? पक्की मालूम होगी कोई वजह? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि भगवती जी भगत को अपने छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। भगत ताकत है उनकी, बहुत विश्वास करता है उनपे, इज्जत करता है उनकी। जिंदगी में कभी भी हमारे मन में देश के प्रति बेईमानी आई ना, तो उसी दिन हम खुद अपनी जान ले लेंगे। ओ भगत, आज जेल में मेरी वजह से है, एहसारी करनी मेरी है, भगवती जी की नहीं। तो जो सजा देनी है मैनू तो। अरे सजा के हकदार तो हम हैं। बहुत बड़ी भूल हो गई सुखदेव हमसे, न जाने भगवती भाई और दुर्गा भाभी को हम क्या क्या भूल गए। सब कुछ फिर से संभालना पड़ेगा, उन लोगों को जाने से रोकना पड़ेगा। सुखदेव मुझसे गलती हुई है ना भाऊ? गलती हो गई तो सुधारो, लाके खड़ा करो उस गुनहगार को हमारे सामने। मैं लाता। सुनो, अब अपना चेहरा तब दिखाना जब वो गुनहगार तुम्हारे साथ यहां खड़ा होगा। जी चलो सुखदेव। म्हणजे
मुझे झूठ बोला है जय गोपाल का मिल के ही पता चलेगा मिलना पड़ेगा रेवाज सच सामने आएगा। आजाद ने भगवती चरण वोरा को पार्टी से निलंबित कर दिया। सस्पेंडेड सर। कंटिन्यू। वैसे तो आजाद उसे मारने गए थे लेकिन पता नहीं क्या हुआ बस निलंबित करके आ गए और हाँ वो आज ही लाहौर के लिए भी निकल रहे। मुबारक हो सर, एक और निपट गया। क्या करें, गिरफ्तार करें या छोड़ दें? गिरफ्तार करना। उसके जाने के पहले उससे और उसकी वाइफ को पकड़ना हो। कब निकलेंगे? आज 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 शाम को जाने वाले हैं। यू विल कंपनी में? वो मैं कह रहा था कि हमें राजगुरु को भी तुरंत पकड़ लेना चाहिए। क्यों? बात यह कि राजगुरु के पेट में बात पचती नहीं, वो जरूर जाके आजाद को बताएगा कि मैंने उसे ये सच बताया और आजाद मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डर लगता है आजाद से? गद्दारों को वो सीधा गोली मारते हैं, एक बार सोचते तक नहीं। अच्छा सुनो, अभी बहुत तारीफ हो गई, ठीक है, कल एक काम करो, किसी तरह राजगुरु को मंदिर के पास वाली गली में तुम लेके आओ। आप वहां पे मौजूद रहिए उनको पकड़ने के लिए, और तुम जब उनको गिरफ्तार करेंगे तो ये बताओगे कि सॉन्डर्स की हत्या उसने की थी, ठीक है? अरे साहब उल्टी खोपड़ी है वो राजगुरु, उसने मुझे मार दिया तो। बड़ा जब इतना ही डर लगता है तो क्रांति करने के लिए क्यों निकले? डरता नहीं हूँ मैं, बस सोच समझ के कदम उठाता हूँ। अच्छा, अभी सारा काम हम तुम्हें नहीं सिखाएंगे, किसी तरह राजगुरु को तुम लेके आओगे वहां पर पकड़वाने के लिए, ठीक है? समझ गए? ज़रूर कैसा? Totally right Asad. Azad's crackdown is not far. Till then, figure out कि ये राजगुरु को कैसे पकड़वाना होगा। जी सर। रुक 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 रुक। बम फैक्ट्री का पता तो दे दे। जिसके दिल में 24 घंटे क्रांति का जज्बा हो, उसी के दामन में गद्दारी का दाग लग गया। उसे गद्दार, उसे गद्दार घोषित कर दिया गया, और वो भी किसका? भगत का। आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर तो जानता है ना आप सच्चे। वो सब बरवाल इतनी मेहर रखे, जब जा भी रहा हूं इस इल्जाम के साथ जी सकूं। आप कहीं नहीं जाएंगे भगवती भाई, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमारे अपराध की जो सजा बने आप हमें दे सकते हैं, हमें मंजूर है, उफ तक नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें छोड़कर मत जाइए। दिल के गांव सजा से नहीं भरते आजाद, उसे भरने में वक्त लगता है, और जो सदमा मैंने अभी अभी झेला है ना, उससे निकल में मुझे बहुत वक्त लगेगा। संदूक। ऐसा उस तरफ से गए रहो, मैं इधर से जाता हूँ। ऐसा जाने दो मुझे, अकेला मत छोड़िए बाबू भाई। बिस्मिल जी और अशफाक भाई के जाने के बाद हमारी पार्टी में एक ही अनुभवी व्यक्ति बचा है, वो आप हैं। आपको खो देंगे तो पार्टी बिखर जाएगी। हमसे जो भी गलती हुई है मुझे क्षमा कर दीजिए। आ जाइए ना भगवती भाई, आ जाइए। धोखा हो जाता है कभी कभी, लेकिन भूल का एहसास होने के बाद माफी मांगना तो बड़प्पन है ना। सही कह रही हैं पापी,